नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताने वाला हूं और ये हर विद्यालय के लिए आवश्यक है। इसलिए इसमें जो प्रक्रिया बताया जा रहा है उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको विद्यांजलि पोर्टल के अंतर्गत, यहाँ पर देखिए विद्यांजलि पोर्टल को आपको ओपन करना है और विद्यांजलि पोर्टल के अंतर्गत ही आपको क्या करना होगा, CSR के तहत आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट थीम के अंतर्गत सेलेक्ट करना होगा कि आपके विद्यालय को किन किन चीजों की आवश्यकता है और ये हर विद्यालय के लिए अनिवार्य है। तो हर विद्यालय इसको आज एंट्री अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा। प्रक्रिया पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को टच कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां पर मैं आपको लिंक दूंगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको देखिए एक लिंक में, ये वाला जो लिंक है उसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि इसको डायरेक्ट आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आसानी से उस साइट पर पहुंच सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर मैं डायरेक्ट इसको क्लिक करता हूं तो ये डायरेक्ट हमें उस साइट पर ले आएगा। यहां पर देखिए हम आ गए हैं। अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का और यदि आपने अभी तक विद्यांजलि पोर्टल में लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन करने की प्रक्रिया भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बहुत आसानी से आप स्कूल का लॉगिन कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैं लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। यहां पर आप देख सकते हैं दो तीन ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां पर देखिए आपको स्कूल लॉगिन दिखाई दे रहा है, इंडिविजुअल दिखाई दे रहा है, एनजीओ या फिर CSR का दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना होगा, स्कूल वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे यहां पर देखिए स्कूल वाले ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा तो स्कूल वाले जैसे ही ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे ना तो आपके मोबाइल में लॉगिन करने के यहां पर देखिए ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको क्या करना होगा, यहां पर UDIS कोड डालना होगा, स्कूल का कोड डालना है। उसके बाद आपको पासवर्ड के माध्यम से आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। यदि आपको पासवर्ड पता नहीं है, ध्यान दीजिएगा मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूं, यदि आपको पासवर्ड पता नहीं है तो आप क्या करिएगा, यहां पर अपना जो कोड है स्कूल कोड जैसे ही डालेंगे तो यहां पर देखिए लॉगिन विद OTP, आपके मोबाइल में तुरंत OTP आएगा, उस OTP के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में आपके मोबाइल में हर बार OTP आएगा, OTP को आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन होगा। यदि आपको ID और पासवर्ड याद है तो सबसे पहले आप यहां पर अपना UDIS कोड डालेंगे, यहां पर पासवर्ड डालेंगे और नीचे में आपको कैप्चा कोड दिया हुआ है यहाँ पर बगल में देखिए, उसको आपको डालना है और सिंपल से लॉगिन को क्लिक कर देना है। तो मुझे ID पासवर्ड याद है तो मैं ID पासवर्ड डाल करके और कैप्चा कोड को डाल करके क्या करूंगा, लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद आगे की प्रक्रिया को बहुत ही बारीकी से बता रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एक बात और, चूंकि यह पूरा प्रक्रिया मैं अपने मोबाइल के माध्यम से बना रहा हूं तो आप लोग इस वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखिए ताकि आपको ये जो सारी प्रक्रिया है मोबाइल में ही बहुत आसानी से समझ आ सके। तो चलिए, आप लोग लॉगिन करने के दो तरीका अपना सकते हैं, या तो आप लॉगिन विद OTP से कर सकते हैं। यदि आपको ID पासवर्ड याद नहीं है तो आपको सिंपल सा डाइस कोड डाल करके लॉगिन विद OTP को क्लिक करेंगे, यहां पर इसको क्लिक करना होता है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन अलग रहेगा, आपको कैप्चा कोड डालना है, UDIS डालना है और यहां पर पासवर्ड आपको डालने की आवश्यकता नहीं होगा। सिंपल सा क्या करना होगा, यहां पर आपको कैप्चा कोड को डालना है और लॉगिन हो जाएगा। तो मुझे ID पासवर्ड दोनों याद है तो मैं यहां पर ID पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेता हूं। जैसे ही आप अपना स्कूल का डाइस कोड, पासवर्ड और यहां पर कैप्चा कोड को डाल लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो यहां से देखिए नीचे भी मिल जाएगा आपको लॉगिन, ऐसा लिखा है, लॉगिन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहां से प्रक्रिया को आपको बहुत ध्यान से देखना है। यदि आपको ID पासवर्ड पता नहीं है, पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो देखिए अभी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहां से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड को आप बना सकते हैं, नया पासवर्ड चेंज करना चाहे तो। लेकिन हमें यहां पर पूरी प्रक्रिया सीखना है तो हमें क्या करना होगा, यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहां पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सारे ऑप्शन है। हमें क्या करना होगा, ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। जैसे ही प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड लिखा है इसको मैं क्लिक करता हूं तो हमारे मोबाइल में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहां पर देखिए हमारे मोबाइल में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ चुका है और यहां पर देखिए आपको लिखा हुआ है प्लस, ऊपर में देखिए आपको जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूं एक एक चीज को आपको ध्यान से देखना है अन्यथा आप ये प्रक्रिया पूरा नहीं कर पाएंगे। ऊपर में देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, ऊपर में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहां पर प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग इस प्लस वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें आपको प्रोजेक्ट थीम का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। नीचे देखिए यहां पर एक ऑप्शन आया है सिलेक्ट प्रोजेक्ट थीम लिखा हुआ है और जैसे ही सिलेक्ट प्रोजेक्ट थीम को क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में देखिए यहां पर एक हल्का सा निशान दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में कुछ ऑप्शन खुलेंगे। ये देखिए यहां पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बेसिक सिविल का दिखाई दे रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का दिखाई दे रहा है,
इक्विपमेंट का दिखाई दे रहा है या फिर मेंटेनेंस का दिखाई दे रहा है, आपको इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन को क्लिक करना है। चाहे तो आप चारों ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपको इन ऑप्शन को आपको बारी बारी से क्लिक करके पूरा सबमिट करना होगा। अब मान लीजिए हमने शुरुआत वाले ऑप्शन को क्लिक किया है, तो शुरुआत वाले ऑप्शन में हमको जो चीज की आवश्यकता है उन चीज को आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पूरा जानकारी आपको भरना होगा। देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी मांगा गया है। आपको अगर क्लासरूम की आवश्यकता है, यहाँ पर देखिए क्लासरूम की आवश्यकता है, तो कितने क्लासरूम की आवश्यकता है यहाँ पर आपको जानकारी भरना होगा। यहाँ पर देखिए ये जो डिब्बा दिखाई दे रहा है इसमें आपको जानकारी भरना होगा, और इसमें लिखा है नंबर में आपको जानकारी भरना है ना। कई जगह अगर आपको कोई रिपेयरिंग करवाना होगा तो उसको स्क्वायर फीट में जानकारी मांगा गया है, कई जगह नंबर में जानकारी देना है और कई जगह स्क्वायर फीट में जानकारी देना है। तो इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ जगह देखिए यहाँ पर अगर आप कोई जगह रिपेयरिंग करवाना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए अगर आप बाउंड्री वाल बनाना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है बाउंड्री वाल बनवाना है, तो बाउंड्री वाल आप बनाएंगे तो उसके लिए कितना बाउंड्री वाल बनाएंगे उसको आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, स्क्वायर फीट में आपको जानकारी देना होगा। ठीक है, गेट लगाना है तो कितना गेट लगाना है, अगर आप कोई और चीज जानकारी चाहते हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर संख्यात्मक जानकारी भरना होगा। अगर मुझे दूसरी चीज की जानकारी है, दूसरा चीज चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा उसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर डिजिटल वाले में आ जाते हैं, यहाँ पर आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करवाना है, तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसको देखिए यहाँ पर भी नंबर में संख्या दिया गया है, नंबर आपको भरने होंगे जिन जिन चीजों में आपको आवश्यकता होगी। जैसे आपको एलईडी प्रोजेक्टर की आवश्यकता है, या प्रिंटर की आवश्यकता है, टेबलेट की आवश्यकता है, जिस चीज की आपको आवश्यकता है, या फिर टीवी की आवश्यकता है, तो उनकी संख्या को आपको यहाँ पर लिखना होगा। जिन चीज की आपको आवश्यकता है उन चीज की जानकारी को आपको यहाँ पर संख्या को भरना होगा। जैसे ही संख्या आप लोग यहाँ पर भर लेंगे, इसमें आपको ऑप्शन आएगा संख्या भरने का। देखिए यहाँ पर ऑप्शन भरते जाएंगे, पूरा ऑप्शन आप भर सकते हैं। जिन जिन चीजों की आवश्यकता होगी उसको भरना है, जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है उसको आप लोग जीरो भर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे में आपको सेव एंड ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको क्लिक करना है। चलिए एक और ऑप्शन मैं आपको खोल के बता रहा हूँ और आपके सामने पूरा भर कर और सबमिट करके दिखा रहा हूँ। नीचे में देखिए और भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स के बारे में दिखाई दिया है। आपको खेल की सामग्री चाहिए तो खेल सामग्री के बारे में भी यहाँ पर आप डिमांड कर सकते हैं। तो मैं मेंटेनेंस एंड रिपेयर के बारे में यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ, और ये हर विद्यालय को करना बहुत ही अनिवार्य है, तो आप लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे विद्यालय में जिस चीज की आवश्यकता होगी, जैसे यहाँ पर लिखे बाउंड्री वाल और पेंटिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए बाउंड्री वाल कराना है और पेंटिंग कराना है, तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर इन स्क्वायर फीट में लिखा हुआ है, तो मान लिया जाए हम स्क्वायर हमारे जो दीवार है उसमें पेंटिंग कराना चाहते हैं या फिर बाउंड्री वाल कराना चाहते हैं, तो हम कितना स्क्वायर फीट में कराना चाहते हैं, तो मान लिया जाए मैं जो है 500 स्क्वायर फीट में हमारे विद्यालय में बाउंड्री वाल कराना चाहते हैं, बाउंड्री वाल में पेंट कराना चाहते हैं या कोई भी चीज कराना चाहते हैं, तो हमने उसको क्या लिख दिया यहाँ पर 500 लिख दिए। और इलेक्ट्रिकल आपको कुछ चेंज कराना है ना, अगर आपको वायरिंग कराना है, कुछ चेंज कराना है, तो यहाँ पर मीटर में लिखना है, तो मान लीजिए मैं कुछ सामग्री कराना चाहता हूँ चेंज वायर में, तो मैं यहाँ पर 100 मीटर लिख देता हूँ, इन मीटर लिखा हुआ है, आपको संख्या बस लिखना है। उसके बाद फैन चाहिए, रेगुलेटर्स चाहिए, तो हमारे विद्यालय में 3 फैन की आवश्यकता है, तो मैं यहाँ पर 3 फैन की आवश्यकता लिखूंगा। ठीक है, तो पूरा सेट रहेगा रेगुलेटर के साथ, और जनरेटर रिपेयर या फिर मेंटेनेंस ऐसा लिखा हुआ है ना, तो इसको भी आप लिख सकते हैं नंबर में, और आवश्यकता नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, चाहे तो आप इसको जीरो लिख सकते हैं, अगर आवश्यकता नहीं है तो जीरो लिख दीजिएगा, आपको आवश्यकता नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए ICT लिखा हुआ है, अगर आपको कोई चीज चाहिए कंप्यूटर रूम से संबंधित, तो उसके यहाँ पर आप संख्यात्मक जानकारी लिख सकते हैं, अगर आपको उस रूम के लिए टेबल चाहिए या कोई चीज चाहिए तो उनकी संख्यात्मक जानकारी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पेंटिंग लिखा हुआ है, पेंटिंग आपको कितने एरिया में कराना है, अगर किसी रूम में कराना है, किसी ICT रूम में कराना है, कंप्यूटर रूम में कराना है, लाइब्रेरी में कराना है, तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। तो मान लीजिए मैं 1000 स्क्वायर फीट में पेंटिंग कराने के लिए बोलना चाहता हूँ, मुझे आवश्यकता चाहिए। और यहाँ पर पंप लिखा हुआ है, मोटर रिपेयरिंग लिखा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो पंप के लिए कितना आपको रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आवश्यकता नहीं है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके विद्यालय में मान लिया जाए USB चाहिए, बैटरी चाहिए, है ना, उसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो USB कितना चाहिए आप यहाँ पर उनकी जानकारी लिख सकते हैं। सारी जानकारी भर लेने के बाद यहाँ पर देखिए सेव एंड पब्लिश लिखा हुआ है, और दूसरा लिखा है सेव एंड ड्राफ्ट। यहाँ पर सेव एंड ड्राफ्ट को अगर आप क्लिक करते हैं तो ये जो है आपके साइट में सेव हो जाएगा, लेकिन ये पब्लिश नहीं होगा, मतलब सामने वाला जो भी कंपनी CSR के तहत आपको जो डोनेट करना चाहता है वो डोनेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, सेव एंड पब्लिश को क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड पब्लिश को क्लिक करेंगे तो ये आपके विद्यालय का एंट्री हो जाएगा। तो चूंकि ये मेरे विद्यालय का है तो मैं अपने विद्यालय का एंट्री यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है।
कितने बच्चों की संख्या है, तो आपको यहाँ पर संख्या को लिखना बहुत अनिवार्य है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं उनको लाभ होगा, तो हमारे विद्यालय में 285 बच्चे हैं, तो आप यहाँ पर विद्यालय की दर्ज संख्या लिख सकते हैं, उनसे कम संख्या भी आप लिख सकते हैं, किसी क्लास विशेष को चाहिए, किसी एक कक्षा के लिए चाहिए, तो यहाँ पर जो संख्या है वो कक्षा किसी क्लास को जानकारी चाहिए किसी एक कक्षा के लिए, तो आप यहाँ पर कम लिख सकते हैं, लेकिन दर्ज संख्या से अधिक यहाँ पर आप नहीं लिख सकते। हमारे विद्यालय में 285 दर्ज है, तो हमने 285 लिख दिया। अब ये सभी जानकारी आप देख सकते हैं यहाँ पर सबमिट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। जब तक आप लोग दर्ज संख्या नहीं लिखेंगे कितने बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, तब तक आपको सबमिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब देखिए इसे सेव एंड पब्लिश भी कर सकते हैं, सेव एंड ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो चूंकि यहां पर मुझे आपको वीडियो के माध्यम से समझाना था, तो यहां पर मैं सेव एंड पब्लिश करूंगा, क्योंकि यह हमारे विद्यालय का बिल्कुल जानकारी है और मुझे पता है कि हमारे विद्यालय को किन किन चीजों की आवश्यकता है। लेकिन याद रखिए आपको पंखों की आवश्यकता कितनी है, तो हमारे विद्यालय जो है बहुत बड़ा है, दर्ज संख्या भी अधिक है, तो यहां पर मैं पंखों की संख्या को मैं लिख देता हूं 7। ठीक है, 7 सेट में भी पंखे चाहिए क्लासरूम और ऑफिस के लिए, मैंने 7 लिख दिया और ये जानकारी मैंने पूरा भर दिया है। अब यहाँ पर कुछ और चीज की जानकारी हो तो उसे आप अपने अपने अनुसार भर लीजिएगा। मुझे जो जो चीज की आवश्यकता था उसको मैंने यहाँ पर पूरा भर दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेव एंड ड्राफ्ट पब्लिश को क्लिक करूंगा। सेव एंड पब्लिश को जैसे हम क्लिक करेंगे तो ऊपर में एक नोटिफिकेशन आएगा, प्रोजेक्ट ऑर्डर सक्सेसफुली, अर्थात आपने जो ऑर्डर दिया है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपके विद्यालय के आसपास कोई भी ऐसा कंपनी होगा जो CSR के तहत आपको डोनेट करना चाहता है, वो डोनेट कर सकता है बहुत आसानी से अपने लॉगिन में जाकर। तो निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो प्रक्रिया बताया बहुत ही ईजी है। अब आप मान लीजिए किसी अन्य प्रोजेक्ट पर भी मांग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फिर से प्लस वाले ऑप्शन को आपको फिर से क्लिक करना है। जैसे प्लस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से वही ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ से फिर आपको क्या करना होगा, इस प्रकार ऑप्शन को क्लिक करना है। अब हमने लास्ट वाले में मांग कर लिया है, अगर हम बेसिक सिविल के अंतर्गत हम कुछ संरचनात्मक सुधार करना चाहते हैं तो हम ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी चीजें हमें चाहिए, जैसे मान लीजिए हमें कुछ क्लासरूम चाहिए, अतिरिक्त कक्ष चाहिए, तो यहाँ पर हम अतिरिक्त कक्ष की संख्या लिख देंगे और हमें अतिरिक्त कक्ष के रूप में हमें चाहिए 3 कमरा चाहिए, तो हम यहाँ पर 3 कमरा लिख देंगे। एडिशनल क्लासरूम की आवश्यकता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, है ना। और बाल वाटिका लिखा हुआ है तो हमारे विद्यालय जो है मिडिल स्कूल है, तो यहाँ पर बाल वाटिका की आवश्यकता नहीं होगी। प्राइमरी अपर प्राइमरी लिखा हुआ है, इसकी आवश्यकता आपको हो तो लिख सकते हैं। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस चीज की आपको आवश्यकता है उसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बाउंड्री वाल की आवश्यकता आपको है, तो कितने स्क्वायर फीट में बाउंड्री वाल की आवश्यकता है, तो मान लिया जाए आपको 1000 स्क्वायर फीट में बाउंड्री वाल की आवश्यकता है। हमारे विद्यालय के पीछे में बहुत बड़ा कैंपस है, मैदान है, वहां पर हमें आवश्यकता होगी। और पीने के पानी की आवश्यकता है, तो यहाँ पर आप पीने के पानी की आवश्यकता के लिए कितने टंकी की आवश्यकता है, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, जितना लिखना चाहें। गेट चाहिए आपको, गेट बनवाना है या कुछ और चीज है तो उसको आप लिख सकते हैं। अगर आपके विद्यालय में लाइब्रेरी चाहिए, लाइब्रेरी रूम चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। सारी चीज को लिख लेने के बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, और सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके विद्यालय में कितने दर्ज है उसको लिखना बहुत ही जरूरी है। यदि आप दर्ज संख्या नहीं लिखते हैं तो कितने बच्चे उनसे लाभान्वित होंगे उसके बारे में पता नहीं चल पाएगा और सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा जब तक आप दर्ज संख्या नहीं लिखेंगे। तो निश्चित रूप से आपको सबसे पहले यहाँ पर दर्ज संख्या लिख लेना है, उसके बाद यहाँ पर जो भी जानकारी आपको चाहिए उसको लिखना है, उसके बाद यहाँ पर सबमिट लिखा है। यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सेव एंड पब्लिक लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है सेव एंड ड्राफ्ट लिखा हुआ है। तो अगर आपने सही डाटा बिल्कुल भरा है, जानकारी सही भरा है, तो निश्चित रूप से आप लोग सेव एंड पब्लिश को क्लिक कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया है कि कैसे हम विद्यांजलि पोर्टल के तहत आप इनमें जो जानकारी है उसको एंट्री कर सकते हैं। तो आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी एंट्री करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर प्लस का जो ऑप्शन दिख रहा है उसको क्लिक करेंगे और आपको जो भी ऑप्शन दिखाई देगा, जिस ऑप्शन को आपको मांग करना है उसको आप क्लिक करके एंट्री कर लीजिएगा। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद भारत।